राम मंदिर से जरा भुना पाकिस्तान जिन्ना को जपने लगा। राम मंदिर से जुड़ा फैसला आने के बाद पाकिस्तान ने वही किया जिसकी उम्मीद थी। पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन बता रहा है कि कैसे वो हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं। करतारपुर कॉरिडोर के बीच पाकिस्तान अपना जहर उगलने से बाज नहीं आ रहा है। यूँ तो पाकिस्तानी मीडिया वही दिखा रहा है जो कुछ असल में हुआ है, लेकिन न्यूज़ चैनल पर पाकिस्तान से ही इस फैसले के और मोदी के विरोध में आवाज़ उठ रही है। पाकिस्तान के लिए इतना तारीख बड़ा दिन था क्योंकि उसी दिन करतारपुर कॉरिडोर की शुरुआत हो गई जिसके जरिए हजारों सिख श्रद्धालु करतारपुर स्थित दरबार साहिब के दर्शन कर सकेंगे। लिहाजा इस समय को लेकर पाकिस्तान बहुत उछल रहा है और अल्पसंख्यकों के लिए अपने झूठ प्रेम के कसीदे पढ़ रहा है। वही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई क्योंकि उन्होंने कहा कि ये फैसला करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने वाले दिन ही सुनाया गया, इसके एक या दो दिन बाद नहीं सुनाया जा सकता था क्या। वहीं पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि यह फैसला मोदी सरकार की नीतियों के मुताबिक है। भारत के मुस्लिम पहले से ही दबाव में है और अब कोर्ट के इस फैसले से उन पर और दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के कई दूसरे नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बौखलाहट जारी की है। वही पाकिस्तान के मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को शर्मनाक, घृणित, अवैध और अनैतिक बताया है। वही पाकिस्तानी पाकिस्तान में होने के लिए जिन्ना का शुक्रिया अदा करते नजर आ रहे हैं। फैजल जावेद खान ने भी भारत और पाकिस्तान का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि दो देश दो कहानियां पाकिस्तान करतारपुर में अंतर्राज्यीय सौहार्द और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और दूसरी ओर भारत की अतिवादी मानसिकता उजागर हुई है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से नजरअंदाज करती है। अगर आप पूरी तरह से देखें तो आयदा मामले पर पाकिस्तान जरा भी खुश नहीं है। ये वो पाकिस्तान है जिसे न इतिहास से कोई मतलब है, न कायदे और कानून से, और न इसे धार्मिक भावनाओं से कोई लेना देना है। इन्हें तो सिर्फ एक शब्द से लेना देना है और वो है बाबरी मस्जिद, जिसके खोने से भारतीयों से ज्यादा दुख इन पाकिस्तानियों को हो रहा है और बेवकूफों की तरह कमेंट कर रहे हैं।